अरे सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। ए भाव, जरा हाथ लगा ना, बहुत बोझा है। अरे भाई साहब, आपने मेरा बैग देखा? अरे सुबह से आना नहीं देखा, तेरा बैग कहाँ से देखूंगा, चल फुट। भाई साहब मेरा बैग देखा? नहीं भाई, नहीं देखा। अरे भाई साहब मेरा बैग यहाँ पड़ा। नहीं नहीं, हवलदार साहब अंदर अंदर। साहब उधर जाओ। साहब बॉम्बे सेंट्रल बस स्टेशन पे मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें 32,222 रुपए थे, और आप मेरी कंप्लेन लिखने के बजाय फोन पे बेकार की बकवास कर रहे हैं। अरे सरकार ने ये वर्दी और ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए दी है, फोन पे हंसी मजाक और बकवास की बातें करने के लिए नहीं दिए, समझे आप? एक मिनट होल्ड करना, एक अभी तुम्हारी कंप्लेन लिखते हैं। हवलदार आया साहब। ओ हवलदार। जी साहब। बंद कर दे साले को, दो दिन हवालात में रहेगा तो मेरे जैसे इंस्पेक्टर से बात करने का तरीका सीख जाएगा। बंद कर दे। अरे मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे साहब मेरी बात, मुझे कानून सिखाता है। हेलो। अरे नहीं यार, वही रोज वाली बात। हालत में उनके पीछे कहाँ जा रहा है, जाने देना। अरे कैसे जाने दूँ, सारे लोग मेरा पैसा लेके चला गया। क्या इसका मतलब है तेरे साथ वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है? क्यों, तेरे साथ क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, गांव से 32,222 रुपए लेके आया था, जैसे ही स्टेशन पे उतरा कोई मेरा बैग लेके भाग गया। ए भाव जरा हाथ लगाना, बहुत बोझा है। तो वो रुपए तुम्हारे थे? कौन से? वही जो जो तुम गांव से लेकर आए थे। अरे मेरे भोले भाई, ये बंबई शहर है, यहां बहुत चौकस रहना पड़ता है। देख तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है? 32,200। विजय। विजय। मैं अमर। कैसे रहते कहाँ हूँ? अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है, रहना तो दूर, चने खाने के लिए भी पैसे नहीं है जेब में। देख दोस्त एक काम करते हैं, मेरे पास एक खोली है, छोटी सी है, तू चाहे तो वहां रह सकता है, आधा कमरा तेरा आधा मेरा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों मेरी वजह से तुझे तकलीफ? अरे तकलीफ क्या की यार, तूने मेरी जान बचाई ना, तकलीफ तकलीफ बोलता है। देख तू इस शहर में आ, तेरे पैसे गायब हो गए, अब मुझे चुकाना तो पड़ेगा ही, भले रकम मोटी है। तुझे क्यों चुकाना पड़ेगा, तुमने कहा लिया मेरे रुपए? नहीं मैंने लिए तो नहीं, लेकिन
तुमने मेरी जान बचाई तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। इस शहर में तुम भी अकेले मैं भी अकेला, इस हिसाब से तो अपन भाई बहन हो गए क्यों? वाह 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 वाह, ये बंबई शहर में चोर और चक्कों के साथ साथ तुम्हारे जैसा नेक इंसान भी रहता है। नेक इंसान काय का यार, चल पेट पूजा करते हैं। चल चल चलो चल। अरे कुछ नहीं यार। अरे तू तो दफ्तर जा रहा है यार, किसने मारा तेरे को? बोल दो सही, कितना खून निकला यार? अरे कुछ बता दो सही, किसने मारा तेरे को यार? कुछ नहीं यार। कौन? अरे क्या हुआ बेटा, कौन मारा तेरे को? अरे कौन मारा इसको? अरे कुछ नहीं। ए घनश्याम, ए पिंटू, ए नन्ही, ए यास्मीन, इधर आओ रे। कोई मारा अपने अमर को? कोई मारा? कौन मारा बेटा तेरे को? जान अंकल, आज अपन मान गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर ये इंसान हमें नहीं बचाता तो आज तो गया था। अरे बेटा तेरे को कौन खलास कर सकता है? अखा बस्ती का ब्लेसिंग है तेरे साथ। अरे भाऊ, तू यला बचा कर अखा बस्ती का ऊपर मुठा उपकार के लास। तुम्हें नहीं मालूम ये कितने घरों का राशन भरता है और कितने बच्चों की फीस देता है। हाँ, हमारी चाली में सबके सुख दुख में कितना काम आता है। अरे ये तो इस बस्ती का बेटा है बेटा। जॉन अंकल, आज से ये मेरे साथ रहेगा। Wonderful? You mean, अब इस बस्ती का दो दो बेटा हो गया। अच्छा पर ये तो बोल, यह है कौन? इसका नाम विजय है। अंकल, अगर तुम्हारा ये बेटा ऊपर से घायल है तो ये अंदर से घायल है। बड़ी दुख भरी कहानी इस बेचारे की। अरे गरीब का पैसा मारकर साला कौन सा बिल्डिंग बनाएगा? आई शपथ, मेरे को किधर मिलेगा ना उसके बॉडी का इंजन डाउन टू डकिल। अगर मुझे मौका मिले तो ऐसे चोरों को अपने ब्यूटी पार्लर में बिठाकर उनके नाखून के साथ साथ उनकी उंगलियां भी काट लूं। और मूंछ के साथ साथ सर के बाल मुंडवाकर आधा मुंह काला करके गधे पे बिठा के जुलूस निकलवा दूं मैं तो। अमर कसम खुदा की, अगर मेरा बस चले तो कपड़े की जगह उसकी गर्दन काट डालूं। मैं तो साले को होटल ले जाकर किचन में घुमा के बाबरची से कहूंगा कि इसको तंदूर में डाल के तंदूरी बना दे। अगर वो चोर कभी अपने हाथ में आ गया ना तो साले को कफन में बंद करके समुद्र में डाल देगा। आप लोगों का प्यार, जज्बात और हमदर्दी देखकर मुझे मेरा गांव याद आ गया। कौन कहता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? मानो तो हर कोई अपना है और ना मानो तो सारा जग बेगाना। और जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं इस जमीन पर इंसानियत जिंदा है। अरे आज मेरा 19वां जन्मदिन है भाई। पिछले साल भी 19वां जन्मदिन, इस साल भी 19वां जन्मदिन। अबे हम सब क्या पागल है यार, मैं 19 में अटक गया हूँ। अब 19वां हो या 29वां, तुम लोगों को पार्टी से मतलब है ना? ललन भाई, एक नया शेर बनाया हूँ, सुनो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। अच्छा। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझे? अच्छा फिर सुनो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ए भाई, जब तू नहीं नहा रहा है कम से कम नल तो बंद कर दे। ये गवर्नमेंट का पानी, मैं नहाऊं या बहाऊं, तू तू क्यों बीच में दखल देता है? एक मिनट, ये पानी ना मेरे काम आ रहा है ना तुम्हारे काम आ रहा है। अरे किसी का भी काम आ गया, तू बीच में क्यों होशियारी दिखाता है? जाकर काम कर। एक मिनट, क्यों पानी का खून कर रहे हैं आप? पानी गिरता है तो गिरने दे, तेरा बाप तो क्या जाता है? तू अपने काम से जाते है कि नहीं? हां अबे साले, बाप का नाम लेता है? चल बैठ नीचे, बैठ नीचे नल के, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? यार विजय, ये तू क्या कर रहा है? अबे गेंडे, आइंदा अगर कभी मैंने देखा कि नल से पानी बह रहा है और तू साबुन लगाकर किसी से शेरशायरी कर रहा है तो तेरी ये चर्बी है ना पिघला कर रख दूंगा, समझा? विजय, पानी जैसी छोटी चीज के लिए इतना गुस्सा? हाँ ये छोटी सी बात नहीं है मेरे यार, अगर तुझे इस बात की गहराई को समझना है तो चल चल मेरे साथ मेरे गाँव में, मैं तुझे पानी की एक एक बूंद की कीमत समझाता हूँ। अरे जीने के लिए जितना जरूरी खून होता है ना उतना ही जरूरी पानी होता है।
अरे पानी का बंदोबस्त करने तो मैं यहाँ आया था शहर में। काश भगवान ने मुझे इतना गरीब न बनाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मतलब ये कि काश मैं तेरी मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं, मैं तो खुद रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। अरे यार, तूने तो मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी है, लेकिन तू मेरे पैसों की फिक्र मत कर। मैं नौकरी करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और मेहनत करके अपने पैसे जमा करूंगा। लेकिन विजय, शहर में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अरे ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो नौकरी क्या चीज है? विजय तू जमिया, आखिर नहीं मिली ना नौकरी? अरे नहीं मिला तो क्या हो गया मैन, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। जॉन अंकल, नौकरी कैसे करेगा जब सेहत ही नहीं रहेगी? क्या हो गया इसकी सेहत को? सुबह नाश्ते के बगैर चला जाता है और रात को भूखा सो जाता है। देखो सनी बॉय, ये भूखा रहने वाला मामला बिल्कुल रॉन्ग। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और थोड़ी सी खीर। ए भाई, ये गरीब लोग का चाली है, घर का खोली खाली है, पर दिल का खोली में बहुत जगह है। अमा विजय मियाँ, कहाँ हो तुम 3 दिन से? बिल्कुल लापता हो गए हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे पहले तुम ये बताओ कि तुम खुद कहाँ थे 3 दिन से? आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा काम ही ऐसा है, आना जाना तो लगा ही रहता है, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ। चल अगर तुझे भी भूख लगी है तो 2 निवाले तू भी खा ले। अबे चल जल्दी, चल चल जल्दी। इस लड़के का जो खोया पैसा है ना, वो इतना है कि उतना पैसा जमा करने का हम लोग सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अरे राजेश्वर भैया, आप? राधा, कोई समाचार आया तेरे भैया का? कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई संदेशा? भैया को गए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं राजेश्वर भैया, इतनी जल्दी पत्र कैसे आ सकता है? अब देखो ना, उसे जाकर कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि महीनों गुजर गए। चिंता लग गई है उसके। राधा, विजय का अगर कोई अता पता है तो मुझे दे दे, मैं अभी जाकर उसे चिट्ठी लिखता हूँ। ए राजेश्वर, अरे भाई सिर्फ तेरा ही ये हाल नहीं है, हम सबका ये हाल है। अगर उसका कुछ भी अता पता होता तो मैं खुद ही खत लिख देता। अब तो जब वो शहर से खत लिखेगा तो ही मालूम पड़ेगा वो है कहाँ। हाँ। राधा जी, जैसे ही विजय की शहर से कोई चिट्ठी आएगी ना तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ। मेरी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा मुखिया, नमस्ते। राधा बेटी, ये बहुत प्यार करता है विजय से।